साथियों, आप सबनों मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं अपने स्कूल दे विच COVID-19 दे अनलॉक समय दे विच आके ये वाटिका तैयार की है जिसका नाम भाषा ज्ञान वाटिका है। और मैं इस विचार नाल कि बच्चों स्कूल बारे, अध्यापक बारे, बचपन, राष्ट्रगान, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी सारिया भाषावान बारे बहुत सारा ज्ञान हो सके। सो ये हरेक पौधा जिहड़ा है इस वाटिका दे विच मैं अपने हाथ नाल किरत दे तौर ते, सेवा दे तौर ते लगाया है। और दीवारां ते बाला वर्क दे अंडर ये कोशिश कीती है कि बच्चों तक एक नवेकला ज्ञान जिहड़ा है वो पहुँचे, बच्चों नूं इस वाटिका द्वारा बहुत ज्ञान की प्राप्ति होए। इस उम्मीद नाल इत्थे तीनों भाषावां दे विच मैं गिनती तीनों भाषावां दे विच विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन जिहड़ी है वो लिखाई गई है। और आम गल्लां जिहड़ियां कि बच्चों की जिंदगी विच विचरदे होए पढ़ाई लई और जिंदगी लई काम आन वालियां हन उन्हां नूं इत्थे डिपिक्ट कीता गया है ताकि बच्चे इस दे विच आम ज्ञान जिहड़ा है उस वाला वर्क तो ही लै सकन, जिवें परिवारक रुख फैमिली ट्री बारे, ईच वन डीड इज़ लाइक अ सीड बारे, और दूसरा साडा व्यवहार, साडा चरित्र, साडा लेखन साडे व्यक्तित्व दा दर्पण है। और जिंदगी दा स्वागत करना बनता है, जिंदगी दा स्वागत करके ही असी नवीआं पुलांगा पट सकते हाँ। ते जागरूकता दी लहर लई जागरूकता पैदा करन वालियां सारी जिहड़ियां है सेव एनर्जी जल ही जीवन है। ते जिस तरह बच्चों नूं ड्रग अब्यूज़ ते चाइल्ड लेबर आदि तो बेटी बचाण तो इस तरह दे जागरूकता दी जिहड़ी सारी गल्लां है वो इत्थे लिखा के बच्चों नूं अवेयर करन लई तां मैं कोशिश कीती है कि इस ज्ञान वाटिका विच जदों भी बच्चा पैर रखे, जदों भी बच्चा आए या इहदे कोलों भी लंघे तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाए। तो मैं उम्मीद है कि COVID-19 तो बाद जो स्कूल खुलेंगे तो बच्चे इस गल का फायदा जरूर चुकनगे, उन्होंने भविख में इन्हों का फायदा जरूर होएगा। उस तो इलावा इस दे एडिशन विच पंजाब दे सरकारी स्कूलों के साडे बच्चे ने उन्होंने पंजाब की कविता वोहड़ दे रुख वर्गा बापू ये कविता जड़ियाँ मैं खुद लिख के इत्थे जड़ियाँ है लगाईयां हन ताकि बच्चों नूं हरेक चीज़ का ज्ञान हो सके। और हिंदी विषय दी अध्यापिका होंदे नाते मैं हिंदी दे पाठक्रम दे विच 6वीं ते 8वीं क्लास दे जिहड़े लेखक हन उन्हां दीआं किताबां दे उन्हां नाल बच्चों नूं पाठां दे नाम लिख के रूबरू कराउण दी कोशिश कीती है ताकि बच्चों दे ज्ञान विच वाधा तां होवे ही, बच्चे उस लेखक नाल उस कवित्री नाल रूबरू तो हो ही, प्लस उन्होंने अंदर ये भावना होए कि असी जिमें कि उन्होंने मिले हुए हाँ, तो उस उत्सुकता दे नाल वो पाठ नू पाठ दे लेखक नू बड़े ध्यान नाल बड़ी जल्दी ही सामान्य तरीके नाल ही जड़ा है वो याद रख सकनगे। एक जड़ी निवेकली कोशिश कीती है मैं इस भाषा ज्ञान वाटिका दी मुख वॉल उत्ते मैं कोशिश कीती है 14 तो 15 पाठ जिहड़े है 6वीं तो लैके 10वीं तक दे विद्यार्थियों दे पाठक्रम विच्चों उन्हां नूं बच्चों नूं इस दीवार तो ही पढ़ाया जा सकता है। अलग अलग कविता, अलग अलग गीत, अलग अलग कहानी, अलग जिहड़े है एकांकी उन्हां दा चित्रांकन करके इत्थे डिपिक्ट कीता होया है ताकि जे बच्चों नूं चीटी बारे कविता पढ़ानी है तो उन्होंने बड़ी आसानी नाल ये चीटी का जड़ा है उदा स्ट्रक्चर जड़ा है वो दिखा के उदे नाल रूबरू कराया जा सके। तो जे वर्खा की गल की गई है तो किवें बच्चे पानी की उड़ीक करते हैं, जिस तरह उस कविता दे विच डिपिक्शन है कि पानी घट गया है जिहड़ी प्रकृति दे विच, ते उस तरह पत्थर ही दिख रहे हैं तो बच्चे बोट लैके उहदी किश्ती लैके उहदी वेट कर रहे हैं। इस तरह ही पेड़ लगाओ का संदेश है एक कविता द्वारा, मैंने कहा पेड़ गाता खग सूरज कविता रब्बा मीह दे पानी दे और ठेले पर हिमालय जो कि नवम कक्षा का पाठ है उसका कैसे चित्रांकन करके हमने कोशिश की है कि बच्चों को इस वाटिका में ही हिंदी का जो ज्ञान है और बाकी भाषाओं का ज्ञान जो है यहीं पर प्राप्त हो जाए।
इस बात के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, उम्मीद है आप सबको भी पसंद आई होगी और मेरे स्कूल के बच्चों को इसका लाभ अवश्य होगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। मैं सुधा जैन सुदीप।